गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल जल्दी से लाइव आ जाएं भी सभी क्लास का टाइम बिल्कुल हो चुका है गुंजन भानु करण सविता नीलम ब्रजेश अंशु दीपक सुबेन्दु अनुश्री एवरी वन वेरी वेरी गुड इवनिंग तो सभी का स्वागत है आर वाई पी पर और कैरियर वेल पर हमारे ऑफिशियली चैनल पर तो जल्दी से आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है आपको सफलता सामने खड़ी है बस मेहनत करने की देरी है आज मेहनत कर ले कल जिंदगी तेरी है तो आप जानते हैं ये जो मेहनत हम कर रहे हैं रोज़ सुबह रोज़ शाम हर वक्त मेहनत कर रहे हैं हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता हम कितनी मेहनत करते हैं और हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि सुबह होती है दोपहर होती है शाम होती है सुबह दोपहर शाम होती है ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है तो आप जानते हैं क्यों ऐसा करते हैं हम लोग क्यों इतनी मेहनत करते हैं स्कूल कर लिया कॉलेज कर लिया कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि ये जिंदगी के कुछ साल शायद एक साल दो साल की मेहनत हमारे लिए पूरी जिंदगी भर का आराम है और इसीलिए हम सुबह भी पढ़ते हैं शाम भी पढ़ते हैं और दोपहर को भी पढ़ते हैं प्रैक्टिस भी करते हैं रिवीजन भी करते हैं एवरीथिंग जो कुछ हमसे पॉसिबल है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है इसीलिए देखिए हम बिल्कुल यहाँ पर आ चुके हैं पढ़ने के लिए और आपको सिर्फ आंसर करने है मेरे साथ क्योंकि संडे का दिन मैंने सेलेक्ट कराया है आपको प्रैक्टिस कराने के लिए जितना कुछ पढ़ाऊंगा इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा एक आखिरी बार ताकि दो मुकम्मल हो जाए पूरी तरह से आपको यकीन हो जाए कि अब दो बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है तो आज हम क्या करेंगे सारे के सारे अवार्ड्स करेंगे सारे के सारे ऑनर्स करेंगे बिल्कुल जितने सम्मान दिए गए 2021 के अंदर और शुरुआत कहाँ से करेंगे आप जानते हैं सर इसकी शुरुआत जो हम करेंगे वो 2021 के बिल्कुल लास्ट से करेंगे और आप जानते हैं वर्ल्ड का मोस्ट इनोवेटिव जो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट भी चुना गया है आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि सारे के सारे अवॉर्ड अगर आप जानते हैं इनके बारे में याद करते हैं तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ आप मुझे उसका आंसर भी करेंगे तो सी के द्वारा मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन किसे माना गया है मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन आप इनके बारे में जितना कुछ जानते हैं वो जल्दी से कमेंट करेंगे और मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन जो है 2021 के लिए किसे माना गया तो आपको सिर्फ आंसर करने मुझे वन वन हर एक इंफॉर्मेशन में आपके पास क्लियर करूंगा सबसे पहले यही आपको बताता हूं सर ये मोस्ट इनोवेशन इंस्टीट्यूशन माना गया है ये हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड आईआईटी रुड़की कहा जाता है बिल्कुल आंसर आपके पास होगा ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है दो का वर्ड ऑफ द ईयर है वैक्स चुना गया मेल एथलीट ऑफ द ईयर जो हमारे पास एस है एक्चुअल में एस के द्वारा यानी कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एस के द्वारा किसे चुना गया है पुरुष वर्ग का सबसे बेहतर प्लेयर दैट इज कॉल्ड नीरज चोपड़ा चुने गए जब बात महिलाओं की आएगी तो किसका नाम होगा बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बात जब इसके मेडल की आएगी यहाँ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए तो वो किसे दिया गया बिल्कुल डिस्कस करेंगे तीन पॉइंट पूरी तरह क्लियर है हमारे पास आगे देखिएगा अगले चार ऑप्शन आपके पास आते हैं पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है वर्ल्ड सीई ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया यहां पर कर्नाटका के द्वारा जो अवार्ड है कर्नाटक की राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक रत्न अवार्ड किसे मिला और मिस ट्रांस ग्लोबल अवार्ड 2021 ये किसे दिया गया है बेसिकली आप इन चारों में से कितना जानते हैं जो एवरी करते हैं सुबह शाम बिल्कुल पढ़ाई करते हैं मेहनत से सुबह सात बजे और शाम सात बजे वो जानते हैं पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं आलिया भट्ट वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर की बात करें अगर आपको याद आना चाहिए सर इनका नाम क्या होगा जो यहां पर सी चुने गए इनका नाम है किशोर कुमार यदम के नाम से किशोर कुमार यदम यहां पर आप इन्हें कहेंगे तो बिल्कुल याद रहना चाहिए इनका नाम क्या है किशोर कुमार यदम वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर होंगे कर्नाटक के द्वारा जो कर्नाटक रतन अवार्ड दिया गया है यहाँ पर इनके पास एक और अवार्ड आता है जो आप आगे पढ़ेंगे सर इनको बसवा श्री सम्मान भी दिया गया इनके देहांत होने के बाद ये कौन है दैट इज कॉल्ड पुनीत राजकुमार इनको आप स्पेश याद रखेंगे और मिस ट्रांस ग्लोबल अवार्ड 2021 कौन जीता है सर श्रुति सितारा जीती हैं बिल्कुल इनका नाम याद रखेंगे तो श्रुति सितारा जो केरला से आती हैं बिल्कुल उनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया है पहली बार भारत से कोई कोई ट्रांसजेंडर ये अवार्ड जीत पाया है तो बिल्कुल आसान है हमारे लिए चारों नाम हमने बिल्कुल करेक्ट कर लिए सभी के आंसर आ रहे हैं हमारे पास चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिल्कुल डॉक्टर ईडा स्कडर ऑरेशन अवार्ड किसे दिया गया यहाँ पर भूटान का सिविलियन अवार्ड किसे दिया गया एस जे एफ आई के द्वारा मेडल किसे दिया गया और साथ में टाइम्स मैगजीन के द्वारा ऑफ द ईयर किसे दिया गया कि चारों के आंसर करना जानते हैं बिल्कुल तो आप बताएंगे सर ये जो मेडल की बात आई है ये दिया गया इंडिया के पूर्व कैप्टन इंडियन क्रिकेटर सुनील गावस्कर को बिल्कुल याद आ चुका है सभी लोगों को अगर बात भूटान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान की हो रही है अगर भूटान के सिविलियन ऑनर की हो रही है सर तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो उनको ही भूटान ने अपना सम्मान दिया है अगर बात इडा स्क्यूडर ऑरेशन अवार्ड की है तो विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी का नाम आएगा यहाँ पर बिल्कुल याद है हमें हम बार बार पढ़ते हैं एवरी डे इसीलिए पढ़ते हैं यहाँ पर और टाइम मैगजीन ने जिसे चुना है एथलीट ऑफ द ईयर उसका नाम है सीमॉन बाइल्स यह एथलीट है आप जानते हैं और इस बार का एथलीट ऑफ द ईयर इन्हीं के अकाउंट में गया है तो बिल्कुल हिंदी में लिखे हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजों को भी हिंदी में लिखेंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए फिलहाल एथलीट ऑफ द ईयर कौन है सिमोन बाइल से अगला सवाल आता है हमारे पास चार अगले अवार्ड आते हैं बिल्कुल आपको बताना है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसने जीता है रामानुजन प्राइज 2021 किसने जीता है मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी है और डीजी धन अवार्ड किस बैंक को दिए गए तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई यहां पर देख रहा हूं आप सभी के बारे में बार बार कोशिश कर रहे हैं सर यहाँ पर जो डी धन अवार्ड हमारे स्टूडेंट बता रहे हैं यहाँ पर सर ये कर्नाटका बैंक को दिया गया जो कि एक प्राइवेट बैंक है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सत्तरवीं मिस यूनिवर्स और भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी है चंडीगढ़ की पंजाब की हरनाज संधू इनका नाम आपको याद रखना है रामानुजन प्राइज जो मैथमेटिक्स में दिया जाता है सर यह दिया गया है नीना गुप्ता को बिल्कुल आसान है ये तीन नाम किसी को भी परेशानी नहीं थी सर यहाँ लेकिन अगला नाम आता है जो यहाँ पर रॉयल गोल्ड मेडल का तो इसको भी याद रखना है ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा सर जो सीखेंगे वही आगे बढ़ेगा बाल कृष्णन दोषी के नाम से तो बाल कृष्ण दोषी आते हैं यहाँ पर रॉयल गोल्ड मेडल के नाम से तो ऑब्वियस हम इसको भी याद कर लेंगे तो जो याद हो चुका है वो तो हो ही चुका है अब आगे की बात करनी है चलिए आगे सवाल को देखेगा मेरे साथ और आपके पास फिर से सवाल आते हैं सर और चार सवाल में आता है और इसके अंदर आपको वन बाई वन बताना है बेसिक आंसर आपको बताना है सर ये छप्पन व मेडल किसे मिला और ये सत्तावन ज्ञानपीठ किसे मिला बहुत खास होने वाला एग्जाम के लिए बार बार पढ़ने की जरूरत क्यों है सर यंग जियो स्पैटिकल अवार्ड किसे मिला है यहाँ पर सिप्रियन फॉइस अवार्ड किसे मिला है और साथ में यूनेस्को ने हेरिटेज अवार्ड दिया है भारत में किस जगह को वो आपको आंसर करना है तो बिल्कुल याद आ रहा है हमारे स्टूडेंट ग्वालियर और ओरछा और की बात नहीं है यहाँ पर कोई सिटी नहीं चुनी गई है मैंने अवार्ड की बात की है तो यहाँ पर आपको याद रखना है दिल्ली के अंदर है जिसे दो अवार्ड मिले हैं निज़ामुद्दीन बस्ती दिल्ली के अंदर क्या आता है भाई याद रखेंगे निज़ामुद्दीन बस्ती है और यूनेस्को की तरफ से इस बस्ती को अवार्ड दिए गए ये आपको याद रखना है एक अवार्ड जो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है सर जिसे ए एम एस सिप्रियन अवार्ड कहा जाता है जल्दी से आप याद रखेंगे उनका नाम क्या आता है सर निखिल श्रीवास्तव का नाम आता है यहाँ पर आपको याद करना है निखिल श्रीवास्तव पिछले साल भी कई सारे अवार्ड जीते थे और इनका नाम हम याद कर लेंगे वन बाई वन क्योंकि संडे को हमारा प्रैक्टिस का दिन होगा और उस दिन हम प्रैक्टिस करेंगे और 100 परसेंट खुद को पक्का कर लेंगे कि अब कुछ नहीं छूटने वाला वा सत्तावन देखो यहां आते हैं सर कोंकणी भाषा के राइटर दामोदर मौजो को मिला है सत्तावन ज्ञानपीठ लेकिन इससे पहले वाला ज्ञानपीठ किसे मिला है आप बताओ मुझे तो आप कहेंगे सर वो असम भाषा के हैं नीलमणि फूकन भाई याद आ रही है सारी बातें भूलोगे तो नहीं बिल्कुल ये कंफर्म होना चाहिए आपके पास ये निर्मली फूकन जो है कौन सी भाषा से हैं ये कौन सी भाषा के हैं तो आप कहेंगे सर ये असमी भाषा से और ये दामोदर मौजो ये कोंकणी भाषा से हैं कोंकणी है इनकी भाषा जो कि बेसिकली गोवा में बोली जाती है और इसके बाद यंग जियो स्पेशल अवार्ड की बात करें तो इसके बारे में आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन जीता है तो इसका भी नाम याद हो ही जाएगा जब इतना याद हो चुका है बार बार पढ़ चुके हैं सर जब इतने नाम याद किए तो पिछला वाला भी याद करेंगे रॉयल गोल्ड मेडल बाल कृष्णन दोषी को और ये वाला भी याद करेंगे रुपेश गोयल को मिला है तो बात पूरी तरह समझ में आ रही है हर जगह बारिश है लेकिन फिलहाल दिल्ली में बारिश नहीं आप क्लास का आनंद लेते रहिए जल्दी से और अच्छे से पढ़िए हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसे दिया गया है 2021 का पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड बेस्ट डेब्यूट के लिए किसे दिया गया आपको बताना है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कौन बने और असम वैभव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया इन चारों के आंसर कौन बताने वाला है यहां पर जल्दी से सर कानपुर में बहुत बिल्कुल बिल्कुल बारिश हो सकती है बिल्कुल कोई इशू नहीं है लेकिन असम वैभव अवार्ड मिला है सर हमारे रतन टाटा को बिल्कुल याद आ रहा है रतन टाटा का नाम ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे मिला है आपको याद होगा कुमार मंगलम बिरला अब तो गलतियां नहीं होंगी आपको आपको मजा आ रहा है करने में क्योंकि जब आंसर आता है तो उससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं आता और ये क्यों आ रहा है क्योंकि एवरी डे पढ़ा है सुबह सात बजे हमने और यहाँ पर जो पैरालंपिक की बात होगी तो एक ही नाम बार बार सुनने को मिलेगा और पैरालंपिक में इससे बेहतर कोई नाम नहीं होगा सर दैट इज कॉल्ड अवनी लेखरा और यहाँ पर गोल्डन पिकॉक मैनेजमेंट की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आज सुबह मैंने आपको बताया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी उनका नाम आप याद करेंगे की नहीं बतानी है. आपके पास आना चाहिए अवनी लेखरा का नाम है कुमाल मंगलम बिरला का नाम और साथ में रतन टाटा का नाम आपको बताना टाइम्स के द्वारा डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन चुनी गई है जर्नलिस्ट ऑफ दर टू थाउजेंड के लिए कौन चुना गया यूएन वुमेन लीडरशिप अवार्ड किसे मिला और बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना है तो चलिए हम देखते हैं भाई हमारे कंटिन्यूस रहने वाले स्टूडेंट कितने सही जवाब देंगे और बिल्कुल यहां पर धीरे ही बात कर रहा हूं मैं आपसे अरे वक्त आ चुका है क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं अब आपको देरी नहीं करनी यहां पर नॉलेज की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू स्पीड की भी है एक घंटे सो क्वेश्चन करने हो तो कैसे करेंगे वो आपको आना चाहिए चलिए तो बिल्कुल आपके पास आ रहा है सर सर देखो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर कौन बना है है इसका नाम आपको याद रखना है। सर, तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर हत्या कर दी थी जिनकी उन्हीं का नाम है दानिश सिद्दीकी स्पेलिंग आप बिल्कुल चेक कर लेंगे वुमेन यूएन की तरफ से जो वुमेन अवार्ड दिया गया है सर उनका नाम क्या आता है तो आपको याद रखना है दिव्या हैगड़े को यह सम्मान दिया गया तो दिव्या हेगड़े का नाम आता है भारतीय मूल की है इनका नाम आपको याद रखना है बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन चुना गया ब्रिटेन की टेनिस प्लेयर जिनका नाम आता है अडुका ने फ़िलहाल स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे कोई इशू नहीं है इसके अंदर और टाइम्स के द्वारा जो हायर यहाँ पर बात की जाती है बेसिकली यानी कि जो बेसिक तौर पर मैंने कहा आपके पास क्या आएगा सर डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात होगी उस अवार्ड की बात आ रही है तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे ये जो डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर है वो कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता है टाइम्स के द्वारा टाइम्स हायर के द्वारा तो बिल्कुल याद आ चुका है हमारे सारे स्टूडेंट को सर ओ पी जिंदल यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया द एशिया अवार्ड बात क्लियर हो रही है भाई सभी को कोई गलती नहीं है यहां पर यूएस ओपन की विजेता भी है सर और ये ब्रिटेन से आती है टेनिस की प्लेयर है एम रडुकाने और इन्हीं को चुना गया स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चलिए अगला सवाल बताएं मुझे ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किसे दिया गया सुशीला देवी अवार्ड किसे दिया गया और मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया और यहां पर ये यह जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है एक्चुअल में इसको आपको छोड़ देना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवॉर्ड की कोई बात आपको यहाँ पर नहीं करनी बल्कि आप ये कह सकते हैं यहाँ पर जो एक मोस्ट इनोवेटिव प्रैक्टिस की बात कर सकते हैं आप वो इंपॉर्टेंट हो सकता है या बाकी किसी अवार्ड की बात करेंगे फिलहाल के लिए आप इस वाले पोर्शन को स्किप कर सकते हैं इस वाले पोर्शन को छोड़ सकते हैं चलिए आपको याद करना है सुशीला देवी या मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड कितने लोगों को मिला है सर तो यहाँ तीन नाम आते हैं बिल्कुल याद आना चाहिए वो तीन नाम वन बाई वन आपकी स्क्रीन पर होंगे अगर तो आप बिल्कुल आसानी से मुझे बता सकते हैं जल्दी से आप मुझे कमेंट करेंगे ये अवार्ड किसे दिए गए होंगे कमेंट करिए जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए भाई आप लोगों के चलिए तो बिल्कुल क्लियर है मैं आपको बता देता हूं देखो एक नाम आता है जो हमारे विद्युत मोहन का याद आना चाहिए आपको सर इन्हें पहले भी एक अवार्ड मिल चुका है अर्थ शोट प्राइज के नाम से विद्युत मोहन का नाम आएगा मेरे भाई तो इनका नाम आपको स्पेसिफिक तौर पर याद रखना है विद्युत मोहन का एक नाम आता है राधिका के नाम से तो मदर टेरेसा अवार्ड क्योंकि एक को नहीं सर तीन लोगों को मिला है उसमें एक नाम राधिका के नाम से भी आएगा वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए और इसके अलावा आप जानते हैं कि एक नाम और आएगा हमारे पास वो क्या होने वाला है जल्दी से आप मुझे कमेंट कर रहे हैं एक एक करके हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में चलिए तो बिल्कुल आप स्लो हो चुके हैं अब आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं मैं ताकि आप लोग आंसर करें और उसके बाद में आपके पास लिखूं तो सर बिल्कुल अनिल प्रकाश का नाम आ चुका है तो ये राइट आंसर होगा अनिल प्रकाश होंगे बिल्कुल मैंने आपसे कहा सुशीला देवी अवार्ड के बारे में तो आपको याद होगा अनुकृति उपाध्याय का नाम आता है सर अनुकृति उपाध्याय या आपने बार बार क्लास में पढ़ाया एक एक करके बताया आपने हर एक अवार्ड के बारे में और ग्लोबल एन्वायरमेंट अवार्ड जिन्हें ग्रीन मैन कहा जाता है गुजरात के विरल देसाई का नाम आता है गुजरात के इनको दिया गया है सर इस अवार्ड के बारे में और बिना ऑप्शन के करना बहुत मुश्किल है लेकिन एक बात सोचिए कि हमेशा अवार्ड ऑप्शन का इंतज़ार करेंगे क्या अगर आप पूरी तरह तैयार हैं तो आपको अब इंतज़ार नहीं करना है अब आपको अपनी मेहनत करनी है और उसके साथ भाई अवार्ड का बिल्कुल ऑप्शन का इंतजार छोड़ दीजिए जल्दी से बताइए मुझे वुमेन ऑफ द ईयर वर्ल्ड एथलेटिक के द्वारा किसे चुना गया है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया आपको बताना है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का अवार्ड किसे मिला है सर इस साल का और बुक प्राइज किसे मिला है एनआईएफ के द्वारा जल्दी से आपको चाहिए आंसर सारे के सारे वुमेन वर्ल्ड एथलेटिक के द्वारा किसे चुना गया बिल्कुल यहां पर एक एक आंसर आना चाहिए आपके पास किसे चुना गया है तो बिल्कुल आपके पास आता है वुमेन वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा जो चुना गया है इनका नाम आता है अंजू बॉबी जॉर्ज को तो किसे चुना गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को चुना गया है वर्ल्ड एथलेट के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है सर एलन मस्क को चुना गया एक बार ही तो कर रहा है एक घंटे ईमानदारी से और इस बार का इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का अवार्ड बिहार राज्य को दिया गया और आपको याद है जो बुक प्राइज मिला है दिनियार पटेल का नाम मैं बार बार पढ़ाता हूं इतनी बार आपको याद कराया है दिनियार पटेल के बारे में कि सर इन्हें बुक प्राइज मिला है टू का सारे के सारे स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं यहाँ पर इसकी वजह सिंपल सी है बिल्कुल आप आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसे मिला है बैलोन डी ऑनर जो फुटबॉल में दिया जाता है ये फुटबॉल में दिया जाने वाला सम्मान है आपको बताना है ये किसे मिला और एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला है देखिए पीडीएफ कहाँ मिलेगा पीडीएफ कैरियर विल ऐप पर मिलेगा और साथ ही आप जानते हैं कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ ही आपको एग्जाम ज्ञान पर भी मिलेगा तीनों जगह से आप ले सकते हैं यहाँ पर तो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड जो मिलता है ये मिला है किसे प्रवीण राव को मिला है बिल्कुल याद आ चुका है आपको प्रवीण राव का नाम आएगा गांधी का प्राइज जो मिला है वो किसे मिला है मेरे भाई एक एनजीओ है सर यहाँ पर प्रथम नाम की एनजीओ तो प्रथम एन को दिया गया है बिल्कुल और टाटा लिटरेचर अवार्ड जो मिला है ये अनीता देसाई को मिला है 2021 का क्या अब आपको इंतजार करना है ऑप्शन का भाई ऑप्शन का इंतजार करने की बात छोड़ दीजिए कि सर ऑप्शन आएगा ठीक कर लेंगे और नहीं कर पाए तो क्या होगा आपको हर तरह से तैयार रहना है हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक करेंगे सर यहाँ पर और बसव श्री सम्मान किसे दिया गया इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है बी डब्ल्यू यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और मणिपुर स्टेट अवार्ड किसे मिला है लिटरेचर के लिए जल्दी से आप मुझे कमेंट करेंगे कितना जानते हैं इसके बारे में आंसर आना चाहिए बिल्कुल याद आ रहा है सर यहां पर कौन सा नाम आएगा प्रकाश पादुकोण का नाम आएगा सर यहाँ जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है हमारे प्लेयर को मिला है यहां पर इनका नाम है प्रकाश पादुकोण अगर बात फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया की करें यहाँ पर अवार्ड करें तो हेमा मालिनी का नाम आएगा और परसुन जोशी का नाम आएगा इन दोनों को यहाँ पर इस सम्मान से नवाजा गया है सरकार के द्वारा और परसुन जोशी का नाम इसमें आता है बिल्कुल बहुत खास बातें हैं मैं आपको लगातार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बस पढ़ें एक एक बार और मणिपुर ने अपना अवार्ड किसे दिया है सर इनका नाम है बैरिल थंगा तो बैरिल थंगा को दिया और मैंने आपको पहले ही बताया था बसवा श्री सम्मान किसे मिला और मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं इन्हीं को कर्नाटक रतन भी मिला है सर और कर्नाटक रतन पाने वाले जो देहांत हो चुका है मरणों पर मिला है उनका नाम है पुनित राजकुमार इन्हीं को दिया गया है बसवा श्री अवॉर्ड दो बिल्कुल बात समझ में आ रही है एक एक आंसर आपके पास रख चुका है आंसर बन चुका है बिल्कुल एग्जाम के लिए चलिए अगला सवाल देखिएगा यहां पर आता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड किसे मिला है तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड किसे मिला है और यहां पर एजु थन अवार्ड किसे मिला अगर आप इनमें से कोई भी नाम जानते हैं तो मुझे बताएं और यूनेस्को ने मार्शल आर्ट एजुकेशन के लिए किसे दिया है अवार्ड तो आपको याद रखना है ये कुंकफू को मिला है सर तो ये तो एक अलग सा सवाल है कुंकू नंस जो है कुंकू के लिए मार्शल आर्ट अवार्ड मिला है कुंकफू के लिए तो बस आपको याद रखना है ये अवार्ड कुंकफू के लिए गया है इस बार का लेकिन सवाल इससे आगे के हैं सर ये जो अवार्ड मिला है जो एडवेंचर के लिए जाता है किसे मिला है भाई तो बिल्कुल याद आया है यहां पर प्रियंका मोहिते का नाम तो ये आपने बार बार पढ़ा है मैंने क्लास में भी कराया है प्रियंका मोहिते और अगर मैं बात करूं लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड के बारे में तो क्या आप मुझे आंसर बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री किसे अवार्ड मिला है सर यहां पर लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और साथ में यहां पर एक नाम आता है बिल्कुल यानी कि जो केरला की साइड की बात है तो बिल्कुल आपको नाम याद करना है वो क्या होने वाला है पी वालसलवा वालसवा इस तरह का एक नाम है स्पेलिंग आप देख लीजिएगा क्योंकि इतने नाम याद करना आसान नहीं मेरे लिए भी लेकिन लगभग लगभग कुछ ऐसा ही नाम आपको वहां मिलेगा वालसवा या वालसला जो भी आपके पास आएगा लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को से मिला है रणदीप गुलेरिया का नाम आता है सर ये एम्स के डॉक्टर हुआ करते थे रणदीप गुलेरिया का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत खास रहेगा यहाँ पर हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास क्लियर होने वाली है जानकारी समझ में आ रही है भाई सभी को यहाँ तक स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको कम से कम याद तो हो किसे मिला है सत्यजीत रे अवार्ड किसे मिला है व्यालर सम्मान किसे मिला चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया और ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया अब देखो थोड़े से नाम अब ये तीन महीने पुराने हो गए सर अब तीन महीने पुराने नामों में थोड़ी सी उलझन आनी शुरू हो गई क्योंकि वो हमने बार बार रिपीट करने बंद कर दिए क्योंकि हम जो लेटेस्ट में होता है वही बार बार रिपीट करते जाते हैं तो चेंज मेकर अवार्ड के किसे सम्मानित किया गया था बाकी के सारे अवार्ड आप मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और साथ ही आपको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के बारे में बताना है और आपको बताना है सत्यजीत रे आप जानते हैं तमिल मूवी के बी गोपाल का नाम आता है सर इस तरह से उनको दिया गया था सत्यजीत रे अवार्ड अगर आपको याद है वेलर सम्मान के बारे में बैन यामिन का नाम आता है इनको दिया गया ये भी भारत के ही हैं इसके बाद अगर लीडरशिप अवार्ड की बात याद आती है आपको शिव नादर का नाम आता है जो एच के हैं और इनके साथ एक और नाम आएगा किसका होगा याद रखो शिवनादर के साथ मल्लिका श्रीवास्तव का नाम होगा शिवनादर और मल्लिका श्रीवास्तव जो होंगी इन दोनों को सम्मानित किया गया है सर अवार्ड से एक घंटा पूरी ईमानदारी से वीडियो को देख ले पढ़ लें और आपको बेनिफिट ना मिले तो बताएं मुझे और चेंज मेकर अवार्ड जो मिला है वो बांग्लादेश से आती हैं सर और बांग्लादेश से आने वाली का नाम क्या है तो उनका नाम है फिरोज बेठर तो फिरोज बेथर के नाम से यह स्पेलिंग में और भी नाम हो सकता है सर लेकिन फिरोज बिथर का नाम आता है ये बांग्लादेश से आती हैं मैंने आपको बिल्कुल याद कराया और मैं चाहता हूं इसके अंदर आप एक और अवार्ड याद करें एस डी जी प्रोग्रेस अवार्ड के नाम से और आप मुझे बताएं कि इसमें क्यों नहीं है सर ये एस डी जी प्रोग्रेस अवार्ड के नाम वाला तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करें इसका विजेता कौन है आप ये मत सोचिए कि जो स्क्रीन पर लिखा है वो बिल्कुल रट कर आए वो पढ़कर आ गए सर कि बस वही छापते जाना है मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है एस प्रोग्रेस अवार्ड भी दिया गया है और यह बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को दिया गया तो किसे दिया गया मेरे भाई शेख हसीना को दिया गया यह बहुत खास होने वाला है एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल अगली बात करते हैं आपके साथ आपको बताना है यहाँ पर स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड बहुत खास होने वाला है एग्जाम के लिए स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड किसे मिला है यहाँ पर बहलरल टर्टल आप जानते हैं टर्टल यानी जो कछुआ आपके पास है उसके कंजर्वेशन के अवार्ड मिला है इसके अलावा अवार्ड तो बहुत सारे हैं लेकिन हर एक अवार्ड उतना काम का नहीं होता पर आपको कोशिश ये करनी है कि सारे के सारे अवार्ड याद हो जाएं

और साथ साथ आपको एक और नाम याद रखना है जो मिला है टर्टल कंजर्वेशन के लिए शैलेंद्र सिंह का नाम आएगा आपके मन में तो शैलेंद्र सिंह को मिला है ये हमारे साइंटिस्ट हैं हमारे डॉक्टर हैं और इन्हें टर्टल कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया गया बिल्कुल याद आ चुका है सभी को यहां पर एक एक नाम याद आना है आनंद कुमार का नाम एन का नाम चलिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया है लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे मिला सी एन आर राव गोल्ड मेडल किसे मिला और बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कौन बना चलिए अब आप मुझे बताइए कि बार बार पढ़ने के बाद आपको कितना याद हो चुका है सर हर एक नाम याद आना चाहिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे मिला है आशा भोसले जी को मिला है तो यह आपको याद रखना है 2021 के लिए है बिल्कुल आंसर आएगा चलिए आगे बताएंगे मुझे लोकमान्य तिलक ये किसे मिला था मैंने आपको बताया सायरस पूनावाला बिल्कुल याद आ रहा है सर अदार पूनावाला के पिताजी हैं ये सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर यही तो है एक्चुअल में और सी एन आर राव जो सेनेटरी है आपको याद आना चाहिए सी रंगाराजन और जगदीश भगवती का नाम क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हमारे अर्थशास्त्री हैं सी रंगाराजन और सी रंगाराजन आर गवर्नर भी रहे हैं सर सी रंगाराजन और जगदीश भगवती इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है स्पेसिफिकली इनके नाम आपको याद करने क्योंकि भारतीय अवार्ड किसी भी हाल में आप मिस नहीं कर सकते अपनी कोशिश करिए लगातार और बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इस बार के फोटोग्राफर कौन बने हैं आपको याद रखना है फोटोग्राफर का नाम है प्रीटो एलेक्जेंडर एलेग्जेंडर जो भी आएगा यहां पर फिलहाल इतना मुझे याद है और इतना ही आपको भी याद होना चाहिए सर प्रीटो के नाम से हमारे पास थे जो बर्ड फोटोग्राफर बने थे और शायद ये ब्राज़ील या मैक्सिको से आते हैं इनका नाम आप बिल्कुल याद कर लेंगे ए या एलेक्जेंडर होंगे बिल्कुल यहां पर प्रीटो कहलाएंगे अगला सवाल आता है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया एयरलाइन ऑफ द ईयर कौन सी बनी हमडोल्ट रिसर्च अवार्ड किसे मिला और अर्थ हीरोज अवार्ड किसे मिला है देखो हर क्लास में आप कुछ नया सीखेंगे नया पढ़ेंगे और बार बार करेंगे आप तो गलतियों से बचेंगे आप बताओ मुझे क्या याद है सर आपने पढ़ाया है एयरलाइन जो बनी है सबसे बेस्ट एयरलाइन वो साउथ कोरिया की है जिसका नाम है कोरियन एयरलाइंस तो सबसे बेस्ट बनने वाली एयरलाइंस का नाम क्या है कोरियन एयरलाइंस आता है यहां पर कोई गलती नहीं है इसके अंदर अर्थ हीरोज अवार्ड के बारे में अगर मैं बात करूं सर ये दो लोगों को मिला है दो जगहों को मिला है एक का नाम है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और ये कहां पर आता है मेरे दोस्त बिल्कुल तैयार हो आप इसके लिए सर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आता है मध्य प्रदेश के अंदर कहां पर आता है ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है और एक नाम और आपको याद रखना है मेरे भाई इसके अंदर पैराबी कुलम क्या है इसका नाम पैराबी कुलम है सर और यह कहां पर आता है पैराबी कुलम के नाम से यह भी टाइगर रिजर्व है पैराबी कुलम जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएं दोनों का वोट दिया गया और यह टाइगर रिजर्व आता है सर केरला के अंदर इसको भी इसी सम्मान से नवाजा गया है दो के अंदर इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको पढ़ना है बार बार पढ़ना है कोशिश करनी है कम से कम कि हम जो भी करेंगे वो सही करेंगे गलत बिल्कुल नहीं करेंगे आपको बताना है ये जो अवार्ड दिए गए यहाँ पर कुवेम्पू अवार्ड दिया गया ये किसे मिला है और साथ ही अवार्ड जो है रिसर्च अवार्ड जो मिला है ये किसे मिला है तो यहाँ पर एक नाम आएगा कौशिक बासु का याद आ रहा है कल आपको इनके बारे में किताब भी पढ़ाई थी कौशिक बासु की जो जर्नरल के नाम से किताब आई थी कल और कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है याद करो राजेंद्र किशोर पांडा को राजेंद्र पांडा को ये सम्मान दिया गया तो राजेंद्र किशोर पांडा बिल्कुल इनका पूरा नाम होगा और हमने याद किया है तो पॉसिबल बना हमारे लिए हम ऐसे ही पॉसिबल करते जाएंगे चलिए नेशनल बिल्डर्स अवार्ड 2021 किसे मिला है द ऑर्डर ऑफ पॉलर स्टार ये कहां का आता है पहले आप ये समझो सर ये जो ऑर्डर ऑफ पॉलर स्टार आता है ये मंगोलिया का अवार्ड आता है तो ये जो मंगोलिया का अवार्ड है मेरे भाई ये किसे मिलने वाला है जल्दी से बताओ जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज किसे मिला है सिविल इंजीनियर्स अचीवमेंट अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी का किसे मिला है आपको दोनों नाम बताने और नेशनल बिल्डर्स अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन किसे मिला देखो आपको यहाँ पर एक एक चीज याद करनी है यहाँ पर जो इंजीनियरिंग अचीवमेंट की बात की जा रही है सिविल इंजीनियरिंग की जो दिल्ली मेट्रो बनाई गई है उसको बहुत ज्यादा तारीफ हुई है क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली बहुत कंजस्टेड एरिया एरिया है और उसके बाद भी यहाँ से निकाली गई मेट्रो और जो मंगोलिया की सरकार ने ऑर्डर ऑफ पॉलर स्टार दिया है आर के सभरवाल को दिया किसे दिया मेरे भाई आर के सभरवाल को दिया है यहाँ पर और अगर हम जापान फुकुओका प्राइज की बात करें तो आपको नाम याद आएगा सर एक महिला है एक लेडी एक बुजुर्ग यहाँ पर महिला का नाम याद आएगा जल्दी से आप मुझे आंसर याद करके बताओ कौन हो सकता है यहाँ पर जिनको ये अवॉर्ड दिया गया होगा जापान का जो फुकुओका प्राइज होगा उसके बारे में आपको याद करना है एक्चुअली क्या था इसको लेकर कई सारे विवाद थे और कई जगहों पर एक महिला का नाम और कई जगहों पर एक पुरुष का नाम था सर वो बार बार आ रहा था जापान का फुकुओका जापान के नहीं है जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम कुछ और है याद करके बताओ मुझे क्या होने वाला है तो सर यहां पर जो कंफ्यूजन थी उसमें एक नाम आता है पी साईनाथ के नाम से तो इनका नाम सबसे पहले हमें याद रखना है एक तो ये आपको याद रखना है और इसके बाद जो नेशन बिल्डर्स अवार्ड है हमारे पास ये मिला है सी को आप जानते हैं कौन है एन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बेसिकली आप जानते हैं इसके बारे में कि एक कंपनी है सर हमारे भारत की और इस सहित कुल 11 कंपनियां महारतन में आती हैं तो बार बार पढ़ा है तो किशीदा का नाम आता है बिल्कुल आंसर के तौर पर अगला सवाल देखिएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइस 2021 किसे दिया गया टी टी एल यानी कि आप जानते हैं यहां पर टाइगर के बारे में बात हो रही है यहां पर उन एरियाज के बारे में बात हो रही है जो फोटो फॉरेस्ट एरियाज के फोटोग्राफी की बात है एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट किसे मिला है और इंटरनेशनल बिजनेस बुक अवार्ड किसे मिला देखो हमारा काम यह है कि हम जब पूरी मेहनत से करते हैं तो आज हम बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने टाइम लिया है पूरा साल इन सबको पढ़ने के लिए और एशिया पैसिफिक ने ग्रीन एयरपोर्ट जो चुना है सर भारत के अंदर वो हैदराबाद को चुना है जिसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ग्रीन एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है राजीव गांधी को मिला है आपको याद आना चाहिए जो टी टी एल फोटोग्राफी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ये किसे मिलने वाला है जल्दी से आप मुझे कमेंट करेंगे तो बिल्कुल ये किसके पास है थॉमस विजियन का नाम आता है सर थॉमस विजियन का नाम है नेचुरल फोटोग्राफी के लिए इनका नाम आप याद रखेंगे लेकिन मैंने आपको कहा जो बार बार पढ़ना है बार बार याद करना है सर वो है बुकर प्राइज 2021 फ्रांस के डेविड डियोप को मिला है और हमने इनके बारे में लगातार पढ़ा है और खास तौर पर इनकी कंट्री भी आपको याद रखनी है फ्रांस से आते हैं डेविड डियोप और इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें यहाँ पर जो बिजनेस बुक की बात करें तो भारत में कार्टूनिस्ट रहे हैं नितिन राकेश के नाम से उनको ये सम्मान दिया गया तो आप बिल्कुल इस तरह से याद कर लेंगे अगर आप चाहेंगे बार बार पढ़ेंगे कम से कम 80 किताबें 80 अवार्ड हमारे पास हैं आज और ये पूरे साल का निचोड़ है इसलिए आपको यह सब कुछ करने की जरूरत भी है चलिए आगे देखिएगा मेरे साथ टेम्पलेशन प्राइज किसे मिला है यहां पर ग्लिच अवार्ड जो है प्रेस्टीजियस ग्लिच अवार्ड जो है वो किसे मिला है इसके बाद इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसे मिला और इंटरनेशनल ई एन आई अवॉर्ड जो है 2020 का ये किसे मिला है आप चाहते हैं इसके बिल्कुल फिल कर सकते हैं आप देखिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड याद आ रहा होगा आपको किसे मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज याद आएगा किसे मिला है इनविंसिबल गोल्ड मेडल याद करके बताइए और वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसे मिला है अगर आप ये सारे भर सकते हो सारे फिल कर सकते हो तो जल्दी से आप मुझे बताओगे एक एक नाम मुझे बिल्कुल याद कराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को अब क्यों ये जरूरत नहीं है सर क्योंकि आपने आज ही सुबह पढ़ाया था वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में तो आपको याद आएगा शकुंतला हरक सिंह का नाम तो शकुंतला हरक सिंह बिल्कुल याद आ रहा है भाई चलो शकुंतला हरक सिंह यहां पर एक नाम आएगा मेरे भाई बिल्कुल याद हो जाएगा आपको इनविंसिबल गोल्ड मेडल हमारे पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे रमेश पोखरियाल कल हमने इनकी किताब भी पढ़ी थी सर एम्स में एक जंग लड़ते हुए तो रमेश पोखरियाल निशंक को इनविंसिबल गोल्ड मेडल मिला था वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड से भारत के एक व्यक्ति चुने गए पहली बार ऐसा हुआ अमेरिका के अंदर डांस शो को ये यहाँ पर जज मतलब कोरियोग्राफी करते हैं सर इनका नाम है सुरेश मुकुंद बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा सुरेश मुकुंद का नाम आसान हो जाएगा एग्जाम के लिए और ग्रीन ऊर्जा अवार्ड के नाम से एक हमारी संस्था है आई आर ई डी ए इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी आई आर ई डी ए के नाम से इनको सम्मानित किया गया तो जल्दी से आपको समझ में आ रही है सारी बातें कोशिश जारी है आप लोगों की तरफ से आगे देखिएगा मेरे साथ नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है मानवता के लिए वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड किसे मिला ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एक्चुअली ये कंफ्यूजन जो थी वहां पर वो होपफुली आपकी क्लियर हो गई होगी अब ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये किसे मिला और शेख जायद बुक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया जब आप जीके पढ़ते हैं बार बार कोशिश करते हैं तो मैंने आपको बताया है वहां पर शेख जायद के नाम से जो अवार्ड आया था डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन का नाम आता है कभी ना कभी आप इसके बारे में पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन तो स्पेलिंग आप चेक कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता ताहिरा का नाम आएगा वाइल्ड इनोवेटर के लिए आपके पास कीर्ति करंथ का नाम आएगा आपने पढ़ा है इसके बारे में कीर्ति करंथ के नाम से जब आप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की बात करते हैं आपको याद आएगा रुमाना सहगल का नाम जो हैदराबाद से आती हैं तो बिल्कुल आपके पास आएगा किसका नाम रुमाना सहगल का नाम चलिए याद रहेगा आपको यहाँ पर कहा से आती हैं रुमाना सहगल हैदराबाद से और यहां पर ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किसे मिला है उनके बारे में एक नाम याद कर लीजिएगा श्यामला गणेश के नाम से क्योंकि जापान के दो अलग अलग अवार्ड हैं एक का नाम फुकुओका अवार्ड है और एक नाम है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन तो मुझे पूरी उम्मीद है देखो सारे के सारे मेरे लिखने से पहले स्क्रीन पर मुझे आंसर नजर आ रहे हैं इसका मतलब आप लोग उसको कर चुके हैं पहले ही ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के नाम से आपको बताना है तीसवा जीडी बिरला अवार्ड किसे मिला है आबूधाबी ने टॉप सिविलियन अवार्ड किसे दिया इनोवेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिस अवार्ड किसे मिला और वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे चुना गया तो आप इसको छोड़ सकते हैं मैंने आपको बताया वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होने वाला लेकिन आपका काम क्या है आपको पढ़ना क्या है यहाँ पर आबूधाबी के द्वारा किसे दिया गया जी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया और साथ में ये जो नेशनल अवार्ड है एच ए एल को दिया गया इनोवेशन प्रैक्टिस के लिए आप जानते हैं एच ए एल का मतलब क्या है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है सर और ये बेंगलोर की कंपनी है अगर आबुधाबी की बात करें तो हमारे भारत के यूसुफ अली के नाम से केरला के एक व्यक्ति हैं जो फिलहाल वहां पर रहते हैं और उनका अपना बिजनेस है यूसुफ अली और साथ ही सुमन चक्रवर्ती का नाम आता है जी डी बिरला अवॉर्ड के लिए तो बिल्कुल क्लियर होगा यहां पर सुमन चक्रवर्ती ठीक है भाई बिल्कुल हर एक नाम इसी तरह से आपको याद करना यूसुफ अली है तो आबूधाबी के सिविलियन ऑफ ऑनर के सम्मानित किए गए व्यास सम्मान 2021 किस किसे मिला है बहुत खास होगा एग्ज़ाम के लिए सरस्वती सम्मान 2020 में किसे मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है और साथ ही कलिंगा रत्न सम्मान किसे मिला तो भाई जिनको ये लग रहा है सर हम क्यों नहीं फास्ट कर रहे हैं क्यों नहीं भाग रहे आज हम हम क्यों कोशिश कर रहे हैं इतनी तेज़ तेज़ तेज करने का मतलब यह है क्योंकि हमें वो विश्वास वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि सर आप एक भी गलत नहीं होने वाला इसके अंदर, दादा पाल किसे मिला है रजनीकांत को गलती होगी ही नहीं अब तो बिल्कुल कोशिश हमारी बन चुकी है कलिंगा रत्न के नाम से मिला है सर बिश्वाभूषण हरिचंदन जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है बिश्वाभूषण हरिचंदन का नाम आएगा व्यास सम्मान क्योंकि 2021 का आ चुका है तो मेरे भाई जल्दी से आप मुझे बताओ 2021 का व्यास सम्मान किसे मिला है सर असगर वजाहत को मिला है किसके लिए महाबली के लिए, लिए. असगर वजाहत का नाम आएगा महाबली नाटक के लिए और सरस्वती सम्मान की बात करूं तो किसका आएगा सर लिम्बाले का नाम आएगा शरण कुमार लिम्बाले चलिए अब तो किसी ने गलती नहीं की यहां पर शरद पगारे इसके थे पहले लेकिन अब हमने 2021 कर लिया तो शरण कुमार लिम्बाले ठीक है मेरे भाई याद रहेगा आपको यहाँ तक लिम्बाले का नाम चलिए आगे देखिए मेरे साथ अगले पॉइंट को किंग भूमिमल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड किसे दिया गया आर्किटेक्चर अवार्ड किसे दिया गया गांधी पीस प्राइज किसे दिया गया और आप जानते हैं गांधी पीस प्राइज 2020 में आया था 2021 में नहीं आया सर यहां पर और ये आया था बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान को बिल्कुल यहां पर आप आंसर कर रहे हो शेख मुजीबुर रहमान का नाम याद रखना है मेरे भाई अगर मैं आपसे करूं भूमिमल वर्ल्ड सॉइल मिट्टी के लिए अवार्ड किसे मिला था आप याद करो जल्दी से आंसर करो मुझे मिट्टी का अवार्ड किसे मिला था तो जो इंडिया की रिसर्च काउंसिल है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च याद करो आईसीएआर के नाम से सर उसे मिला था इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज के नाम से ये अमेरिका में रहती हैं भारत की गौसालिया शंकर गौसालिया आप इनकी स्पेलिंग चेक कर लेना कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल नाम आएगा गौसालिया शंकर का लेकिन जो पुलितजर प्राइज़ मिला है दो लोगों को मिला और दोनों फ्रांस के हैं सर इसलिए यहाँ पर आप जानते हैं प्रिजकर आर्किटेक्चर में मिलता है आर्किटेक्चर का नोबल कहा जाता है इसे वास्तुकला की फील्ड में और इनका नाम आपको जस्ट याद करना है एने और जीन के नाम से क्या नाम आपको याद करना है जो मुझे याद है आपको भी वैसे याद करना है सर एक का नाम आपने बिल्कुल शॉर्ट में याद करना है एने और दूसरे का नाम याद करना है जीन अगर आप इस तरह से करेंगे कोशिश तो जब आपके पास वेरियस ऑप्शन आएंगे तो हम कम से कम उसमें सही को आइडेंटिफाई कर लेंगे बस ये काम आपको आना चाहिए शेख मुजीब रहमान को मिला था दो का फिल्म आर्ची अवार्ड किसे मिला बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया बीबीसी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला और बीबीसी के द्वारा एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया ये बहुत सारे नाम 2021 के अंदर आते हैं सर इतने अवार्ड तो शायद हमने क्लास में जब किए थे तब भी वहां कुछ मिस कर गए होंगे लेकिन यहां पर कुछ भी मिस नहीं होने वाला फिल्म आरचीव अवार्ड मिला है हमारे अमिताभ बच्चन जी को तो अमिताभ बच्चन जी को फिल्म आर्ची अवार्ड मिला है 2021 का बिल्कुल आपको याद रखना है अगला सवाल क्या है इंडिया की स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है जल्दी से आपको बताना है सर यहाँ पर इंडिया की स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो यहाँ पर बात आएगी उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात आएगी इंडिया के एमरजिंग प्लेयर की बात आएगी सर एमरजिंग प्लेयर में आता है क्योंकि उस समय तक ओलंपिक नहीं हुए थे तो यहाँ पर एक नाम आता है मनु भाकर का कौन सी प्लेयर है आप जानते हैं सर इनका बहुत लक खराब था कई बार ऐसा हुआ इनके साथ कि इनकी जो पिस्टौल जो बंदूक है जिससे ये फायर करती हैं यानी कि जो शूट करती हैं वही आपका नुकसान हो जाता है बार बार खराब होती है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था अंजू बॉबी जॉर्ज को तो अंजू बॉबी जॉर्ज को, तो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया इन्होंने यहां पर और यहां पर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला चेस प्लेयर जिनका नाम है कॉनेरू हम्पी याद आ रहा है आपको तो कोनेरू हम्पी को दिया गया कहां से आती है चेस मनु भाकर कहां से आती है शूटिंग से आती है बिल्कुल लास्ट लेवल पर है हम लोग आपको बताना है फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है 2020 का आपको बताना है चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर कौन बना है 2020 का एक्चुअली 20 क्यों लिखा है सर क्योंकि अवार्ड इक्कीस में मिले हैं ये कंफ्यूज मत होना कि 2020 के अवार्ड हैं ये सब कुछ आपको 2021 में मिला है सर वन बाय वन और यहाँ पर एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड किसे मिला है और यहाँ पर ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट अवार्ड मिला है किसे ये मिला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल एनर्जी और एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया ये बहुत खास है फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है सर यहां पर मनसा वाराणसी बनी है यहाँ पर इनका नाम आता है इस बार मिस वर्ल्ड कंपटीशन के लिए बिल्कुल जाएंगी सीएम ऑफ द ईयर कौन बने वाई एस जगन मोहन रेड्डी जो कहाँ से आते हैं आंध्र प्रदेश से आते हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी का नाम याद रखेंगे और इसके अलावा एक नाम आता है सर एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड किसे मिला है बस इनका नाम और आपको याद रखना है सर अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन अवार्ड दिया गया दैट इज अंजलि भारद्वाज बस आपको इतना याद करना था एक एक नाम आपके पास खास है बिल्कुल सेलेक्टेड मटेरियल आपके पास लेकर आए और आपको सिर्फ ये अवार्ड नहीं करने बाकी चीजें नहीं करनी सर अभी मैं आपको बहुत सारा अलग से पढ़ाने वाला हूं कल हम इंडेक्स की बात करेंगे सारी रिपोर्ट की बात करेंगे आप आपको बताना है सबसे पहले जो रोटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वहां पर उसमें हमारी कौन सी मूवी जीती है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के अंदर कौन सा राज्य जीता है सेंचुरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड किसे मिला और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन के लिए किसे मिला है आप इनमें से कुछ नाम अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी से सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपके पास एक एक आंसर आना चाहिए तो चलिए आप मुझे बताएंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में बेस्ट इलेक्टोरल स्टेट का आंसर आना शुरू हो चुका है हमारे पास सर मेघालय इसका सही आंसर है मेघालय को इस बार ये सम्मान दिया था अगर मैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करूं तो आपको नाम आएगा सर रोटरडम नीदरलैंड के अंदर एक जगह है कोजांगल भारत की मूवी बनी थी यहां पर तो कोजांगल जो मूवी है बेसिकली उसको चुना गया सेंचुरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें अगर तो एक नाम आता है थियोड्रन भास्करन के नाम से टी भास्करन आप इन्हें याद रखिएगा बिल्कुल ऐसे ही आपको याद हो जाएगा यहाँ पर टी भास्करन और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कौन आएगा सर राजेंद्र कुमार के नाम से एक था राजेंद्र कुमार राजेंद्र भंडारी तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ नाम आपको याद करना है या तो राजेंद्र कुमार होंगे या राजेंद्र भंडारी होंगे तो राजेंद्र कुमार भंडारी होंगे शायद इनका पूरा नाम आपदा प्रबंधन के लिए होगा आगे देखिएगा मेरे साथ इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन बना मिशेल एल शेला प्राइज किसे मिला था आपकी बार का कायकल्प अवार्ड अवॉर्ड किसे मिला और यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस इन ई गवर्नेंस कैटेगरी कौन सा रहा है मेरे भाई जल्दी से आप मुझे कमेंट करें सर कायकल्प का याद आ रहा है हमें एम्स भुवनेश्वर का जो है आप जानते हैं उड़ीसा के अंदर जो भुवनेश्वर के अंदर एम्स बना हुआ है इसे मिला है काया अवार्ड इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे मिला था यहाँ पर इनका नाम आपको याद रखना है विश्वाजीत चटर्जी का नाम इस बार की पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर कौन बना सर विश्वाजीत चटर्जी को बनाया गया अगर आपको याद आएगा सारा का सारा क्योंकि शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल इस साल की और यहाँ पर जो शैला प्राइज है निखिल श्रीवास्तव अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया सारे नामों के बारे में तो उनमें ही एक नाम आपको याद करना है निखिल श्रीवास्तव का आएगा सर और बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें यहां पर तो बेस्ट परफॉर्मेंस ई गवर्नेंस में अर्जुन मुंडा आते हैं सर जहां से अर्जुन मुंडा कहां से आते हैं ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री से आते हैं कहां से आते हैं ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री और एक आखिरी स्लाइड आज के लिए बिल्कुल आखिरी स्लाइड क्लास में सारा कुछ मिलेगा अगर आप कैरियर विल के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप और आपकी क्लास में करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं मैं रोज़ सुबह तो आपकी क्लास में ही अपलोड किया जाएगा अदरवाइज डेली करंट अफेयर फ्री बैच में आप जा कर लें या फिर आप ले सकते हैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से और एग्जाम ज्ञान से और आपको बताना है ये छियानवे सम्मान तानसेन सम्मान किसे मिला था मेरे भाई रामनाथ गोयनका अवार्ड किसे मिला साहित्य गौरव सम्मान और एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किसे मिला जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दो एक एक-एक आंसर आपके पास क्लियर होना चाहिए सर पंडित सतीश व्यास का नाम अब तो कोई गलत नहीं करेगा यहां पर पंडित सतीश व्यास का नाम आएगा सर इन्हें मिला था 2020 वाला 21 के अंदर रामनाथ गोयन का आज ही सुबह पढ़ा है हमने जिशान के बारे में क्या नाम है इनका पूरा नाम बिल्कुल आपको याद आएगा सर आज ही आपने सुबह पढ़ाया झीशान लतीफ का नाम और इसके साथ आपको पता है एमरजिंग प्लेयर कौन बने वी के यादव जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे पहले इनकी जगह सुनीत शर्मा बने थे और अब उनकी जगह विनय त्रिपाठी बन चुके हैं सर तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और साहित्य गौरव सम्मान रमेश पोखरियाल तो आप जानते हैं रमेश पोखरियाल कौन है भारत के सर ये पूर्व शिक्षा मंत्री इनको दिया गया था <coughs> तो आप मुझे बताएंगे भाई तो सारे के सारे अवॉर्ड देखो मैंने आपको याद करा दिए और इतने ही टाइम लगता है एक्चुअल में अगर आप ध्यान से पढ़ें चीज़ों को समझें और जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है जल्दी इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि सर हमारे पास पूरा इतना टाइम रहता है और इतना पढ़ने के बाद हम कॉन्फिडेंस में होते हैं तो हम जल्दी कर सकते हैं हम थोड़ा तेज़ बात कर सकते हैं हम थोड़ी मेहनत से पढ़ सकते हैं आगे तो ऐसा आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आपने की बहुत छोड़ दिया मिस कर दिया आपने कुछ भी मिस नहीं किया सारा का सारा आपने पढ़ चुके हैं यहां पर और सारे अवार्ड लगभग लगभग आपको याद हो चुके हैं तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करेंगे हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है जल्दी से एक बार बताएं मुझे इंफॉर्मेशन पूरी तरह से क्लियर है आपके पास चलिए तो बिल्कुल आंसर आ चुके हैं अच्छे से आंसर आपने किए और हर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वक्त लिया है टाइम लिया है और सब कुछ करने की कोशिश की है ऐसा नहीं कि कोई अवोट छोड़ दिया है बात समझ में आ रही है और संडे को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बुक्स एंड ऑथर्स की भी कराऊंगा प्रैक्टिस में आपको ऑप्शन देकर जिन लोगों को लगता है कि सर ऑप्शन में होना चाहिए था वो हम ज्यादा बेहतर करते तो उनकी भी हसरत को पूरा कर देंगे और संडे को मैं ऑप्शनल बना कर लाऊंगा यहाँ पर ऑप्शन वाइज और तब देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी और जिन्होंने आज ये कंप्लीट क्लास अटेंड की है उनकी परफॉर्मेंस कितनी अलग होगी उनसे और आप जानते हैं जो मार्जिन ऑफ एरर होता है सर जो क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई का डिफरेंस होता है वो कुछ ही अंकों का तो होता है और वो कुछ अंक हो सकता है आपने इस क्लास में शायद आपने पांच नए अवार्ड सीखे हो जो आपको याद नहीं थे या दस नए अवार्ड सीखे हो तो वो पांच या दस नए अवार्ड जो हैं वही आपको एक या दो नंबर एक्स्ट्रा दिला देंगे वही आपको क्वालिफाई करा देंगे और बाकी आपको डिस्कालीफाई कराएंगे तो चलिए इतना ही आज के लिए थैंक यू एवरी वन थैंक यू सो मच